तो फ्रेंड्स, आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है मैट्राइसेस, उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं मिस्टर खालिद आगलाव ने आप सभी का इस टॉपिक के फर्स्ट लेक्चर में स्वागत करता हूँ। तो फर्स्ट हम आज देखेंगे मैट्राइसेस का मतलब क्या है और मैट्राइसेस की एडिशन सब्स्ट्रैक्शन किस प्रकार से की जाती है। तो लेट अस सी फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ मैट्राइसेस। मैट्राइसेस का मतलब क्या है? तो यहाँ पे संज्ञा दी गई हुई है, एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन एम रोज एंड एन कॉलम्स इनक्लोज्ड बिटवीन रेक्टेंगुलर ब्रैकेट इज कॉल्ड मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम बाय एन। मतलब अरेंजमेंट ऑफ नंबर, नंबर्स की अरेंजमेंट एम रो, स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए हमने नंबर ऑफ रोज को एम कहा है, एम रोज में और एन कॉलम्स में इनक्लोज्ड बिटवीन रेक्टेंगुलर ब्रैकेट। रेक्टेंगुलर जो ब्रैकेट होता है उसमें एम रो और एन कॉलम्स में नंबर्स की अरेंजमेंट की गई है, उसे हम मैट्रिसेस या मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम बाय एन, एम मतलब रोज और एन मतलब कॉलम्स कहेंगे। लेट इस फॉर एग्जांपल, मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, ये जो रेक्टेंगुलर ब्रैकेट है इसमें एम रोज, स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए एम कहे गए थे, ये फर्स्ट रो है और ये सेकेंड रो, और कॉलम्स ये फर्स्ट कॉलम है और ये सेकेंड कॉलम। तो नंबर्स की अरेंजमेंट की गई है दो रो में और दो कॉलम में, और रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में नंबर्स की अरेंजमेंट स्पेशली है, तो इसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। और इसकी जो ऑर्डर है, फर्स्ट नंबर इंडिकेट करता है कितने रो हैं, 2 1 ये पहली रो, 0 -1 ये दूसरी रो, दो रो और दो कॉलम है, 2 0 1 -1 ये कॉलम है। मतलब इस मैट्रिक्स की जो ऑर्डर है वो 2 by 2 है। नेक्स्ट, अगला मैट्रिक्स का एग्जांपल देखते हैं हम। यहाँ पे ये फर्स्ट रो 2 1, 1 2 दूसरी रो और 0 3 तीसरी रो, तीन रो और ये पहला कॉलम, 2 1 0 एलिमेंट और 1 2 3 दूसरा कॉलम है। मतलब इसमें तीन रो और दो कॉलम्स हैं, मतलब ये मैट्रिक्स है। अगेन ये सिर्फ एक ही कॉलम का मैट्रिक्स है, इसे हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। तीन रो हैं बट कॉलम जो है वो एक ही कॉलम है, तो इसे हम मैट्रिक्स के ऑर्डर तीन रो और एक कॉलम मतलब 3 by 1 कहेंगे। तो मैट्रिक्स जो होता है उसमें पहले रो डिनोट करते हैं और बाद में कॉलम डिनोट करते हैं। स्क्वायर सॉरी रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में नंबर्स की अरेंजमेंट की गई है, उसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। तो लेट अस सी फर्स्ट, मैट्रिक्स दो या दो से अधिक मैट्रिक्स होंगे तो उनकी एडिशन और सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं। तो लेट अस सी फर्स्ट एग्जांपल, इफ ए इक्वल्स टू मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसमें एलिमेंट पहले रो में 2 1 और 4 7 है, एंड मैट्रिक्स बी दिया हुआ है, उसमें फर्स्ट रो में 3 और 5 और दूसरे रो में 6 और 2 एलिमेंट है, और हमें इवेलुएट 3a+2b, मतलब 3a+2b इसका आंसर हमें फाइंड आउट करना है। हमें दिया हुआ मैट्रिक्स ए ऑर्डर 2 by 2 का है, दो रो और दो कॉलम, मैट्रिक्स बी में दो और दो कॉलम है। जब भी हम मैट्रिक्स की एडिशन या सब्सट्रैक्शन करते तब मैट्रिक्स की ऑर्डर सेम होनी चाहिए, मतलब ए में जितने रो और जितने कॉलम है उतने ही रो मैट्रिक्स बी में चाहिए, तो यहाँ पे दोनों की ऑर्डर जो सेम है, तो हम 3a+2b इसका आंसर फाइंड करते वक्त ए और बी की वैल्यू, मतलब मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी दिया गया है वो पुटअप करते हैं, 3a एज इट इज लिख लेते हैं। मैट्रिक्स ए की वैल्यू दी हुई है +2 जैसे है वैसे, और मैट्रिक्स बी की वैल्यू एज इट इज लिख लेते हैं। अब हमें यहाँ क्या करना है, ये 3 से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई है, मतलब 3 से मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट को, मतलब जितने भी एलिमेंट है, कुल एलिमेंट 4 हैं, चारों एलिमेंट को मैट्रिक्स
मैट्रिक्स के चारों एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब पहले एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 3, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया 12 और 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया, आने वाला आंसर 21 है। मतलब हमने यहाँ क्या किया, मल्टीप्लाई किया, प्लस साइन जैसे है वैसे लिख लिया। अब सेकेंड मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करना है, मीन मैट्रिक्स बी में जो चार कुल चार एलिमेंट है उन चारों एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई करेंगे हम, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10, 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया 12 और 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, आने वाला आंसर जो है वो 4 है। तो यहाँ हमने सिंपली क्या किया, कॉन्स्टेंट टर्म से मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके ले लिया। अब हमें यहाँ क्या करना है, दो मैट्रिक्स है दोनों की एडिशन करनी है। एडिशन करते वक्त हम क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मैट्रिक्स का, फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट प्लस सेकेंड मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट, मीन्स 6 + 6 फर्स्ट एलिमेंट की एडिशन की। बाद में सेकेंड एलिमेंट यहाँ का 3 है प्लस सेकेंड एलिमेंट जो है वो 10 है, उनकी एडिशन की। तो पहले रो में हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट की एडिशन कर लेते हैं, सेकेंड रो में 12 प्लस दूसरा पहला एलिमेंट 12 है, दूसरा एलिमेंट 21 प्लस दूसरा एलिमेंट जो है वो 4 है, 21 + 4। तो हमने क्या किया, फर्स्ट प्लस फर्स्ट, सेकेंड एलिमेंट प्लस सेकेंड एलिमेंट, सेकेंड रो में फर्स्ट एलिमेंट प्लस फर्स्ट एलिमेंट और सेकेंड एलिमेंट प्लस सेकेंड एलिमेंट एडिशन की। तो 3a + 2b का जो इसका आने वाला आंसर है 6 + 6 = 12, 3 और 10 = 13 हो गए, 12 और 12 = 24 और 21 और 4 दोनों की एडिशन की तो आने वाला आंसर 25 होगा। तो ये था हमारा 3a + 2b का आंसर, मतलब मैट्रिक्स की हमने एडिशन की। लेट अस सी अनदर एग्जांपल, मैट्रिक्स ए दिया हुआ है और मैट्रिक्स बी भी दिया हुआ है, तो हमें 2a - 3b इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, पहले 2 जैसे है वैसे लिखेंगे, मैट्रिक्स ए दिया हुआ है 3 - 1 = 4 2 लिख लिया, -3 और मैट्रिक्स बी जो दिया हुआ है वो एज इट इज रख लिया। अब हमें पहले क्या करना है, ये 2 से मैट्रिक्स ए के चारों एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है, मतलब पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया आने वाला आंसर 6 होगा, -1 से 2 को मल्टीप्लाई किया तो -2, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आने वाला आंसर 8 है और 2 * 2 दैट इज 4, माइनस साइन जैसे है वैसे लिख लिया। बचा 3, 3 से मल्टीप्लाई बाय 2 6, 3 * 5 मतलब 15, 3 और 4 दोनों का मल्टीप्लाई किया 12 और 3 और 2 दोनों का मल्टीप्लाई 6 आ गया। अब यहाँ दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम है, इस मैट्रिक्स में 2 रो है और 2 कॉलम है, सेकेंड मैट्रिक्स में भी 2 रो और ये फर्स्ट और ये सेकेंड 2 कॉलम है, मतलब दोनों की ऑर्डर 2 by 2 है, 2 रो और 2 कॉलम है। तो हम सब्सट्रैक्शन करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट माइनस फर्स्ट मतलब 6 - 6, सेकेंड एलिमेंट जो है वो -2 माइनस सेकेंड एलिमेंट जो है वो 15, 8 - 12 और 4 - 6 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट की हम सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं यहाँ पे। Therefore 2a - 3b इसका आंसर आ जाएगा, ये 0, ये -17, ये 8 में से 12 चले गए मतलब -4 और 4 - 6 इसका आंसर होगा -2। तो यहाँ पे हमने दो मैट्रिक्स की सब्सट्रैक्शन कर ली। लेट अस सी अनदर एग्जांपल, 3 मैट्रिक्स दिए हुए हैं हमें, मैट्रिक्स ए के एलिमेंट है 1 2 0 1 और 1 3, मतलब मैट्रिक्स ए में 3 रो हैं और 2 कॉलम हैं। सेम मैट्रिक्स बी में भी 3 रो और 2 कॉलम हैं और मैट्रिक्स सी में 3 रो हैं और 2 कॉलम हैं, मतलब ए बी और सी तीनों मैट्रिक्स की ऑर्डर जो है वो सेम है, 3 by 2 है, 3 रो और 2 कॉलम। तो हमें 2a + 3b - c इसका आंसर फाइंड आउट करना है। अब हमें मैट्रिक्स ए बी और सी दिया गया हुआ है, उसकी वैल्यू हम दिए हुए इक्वेशन में पुट करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं, 2 जैसे हैं वैसे लिख लिया, मैट्रिक्स ए की वैल्यू +3 मैट्रिक्स बी की वैल्यू -c मतलब मैट्रिक्स सी की वैल्यू लिख लेते हैं। अब हमें इसे एक्सपांड करना है, मतलब
टू से मैट्रिक्स ए के ये जो छह एलिमेंट है, छह एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है। दो से एक को मल्टीप्लाई किया, दो से दो को मल्टीप्लाई किया चार, दो से जीरो को मल्टीप्लाई किया जीरो, दो से एक को मल्टीप्लाई किया, दो से ये एक को मल्टीप्लाई किया टू, और दो से तीन को मल्टीप्लाई किया छः। प्लस मैट्रिक्स जो बी है उसके हर एलिमेंट को हमें थ्री से मल्टीप्लाई करना है, तो थ्री से मल्टीप्लाई किया हर एलिमेंट को, जीरो को, फोर, माइनस वन, टू, थ्री और वन को, तो आने वाला आंसर हमने लिख दिया और माइनस मैट्रिक्स सी जैसे है वैसे लिख दिया। अब हमें यहाँ क्या करना है, फर्स्ट मैट्रिक्स और सेकेंड मैट्रिक्स दोनों की एडिशन करनी है और थर्ड मैट्रिक्स से सब्सट्रैक्शन करनी है। तो साइड बाय साइड हम कर लेते हैं। मैट्रिक्स ए का पहला एलिमेंट जो है वो टू, प्लस यहाँ का फर्स्ट एलिमेंट जीरो, माइनस यहाँ का फर्स्ट एलिमेंट वन। तो करस्पॉन्डिंग फर्स्ट रो के पहले एलिमेंट की हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन कर ली। दूसरा एलिमेंट फोर प्लस ट्वेल्व माइनस थ्री, तो पहले रो के दो एलिमेंट हो गए। सेम दूसरे रो के जीरो प्लस माइनस थ्री माइनस वन, टू प्लस सिक्स माइनस टू एलिमेंट आ गया। अगला एलिमेंट टू प्लस नाइन माइनस वन, तीसरे रो का पहला एलिमेंट हर मैट्रिक्स में का, और तीसरे रो में के दूसरे एलिमेंट सिक्स प्लस थ्री माइनस वन जैसे है वैसे लिख लिया। और इनकी एडिशन सब्सट्रैक्शन करने के बाद जो आंसर आएगा, पहला एलिमेंट वन होगा, दूसरा थर्टीन तेरह, तीसरा माइनस चार, बाद में छः, दस और आठ। तो ये हो गए मैट्रिक्स की एडिशन और सब्सट्रैक्शन। लेट सी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। इफ ए इक्वल्स टू मैट्रिक्स दिया हुआ है, तीन रो और दो कॉलम है, फर्स्ट रो के एलिमेंट थ्री टू, दूसरे रो के एलिमेंट वन माइनस वन और तीसरे रो के एलिमेंट जीरो फोर। सेम मैट्रिक्स भी दिया हुआ है और हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, शो दैट ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए, मतलब हमें ए प्लस बी इसका जो आंसर है और बी प्लस ए इसका जो आंसर है वो सेम है, इक्वल है, ये हमें प्रूफ करना है, दिखाना है। तो पहले हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड ले लेते हैं। हमारी लेफ्ट साइड जो है वो ए प्लस बी है, उसका हमें आंसर फाइंड आउट करना है। तो पहले ए लिख लिया प्लस मैट्रिक्स बी दिया हुआ है, तो मैट्रिक्स बी लिख लिया। तो हम फर्स्ट क्या करेंगे, इसकी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट की एडिशन, थ्री प्लस माइनस वन, इसका आंसर टू आएगा, टू प्लस माइनस वन, इसका आंसर वन होगा। नेक्स्ट वन प्लस थ्री मतलब फोर, माइनस वन प्लस टू मतलब वन, जीरो प्लस फोर मतलब फोर, और फोर प्लस माइनस टू मतलब टू आ जाएगा। तो सिंपली हमने क्या की, यहाँ पे मैट्रिक्स ए और बी दिए हुए थे, उनकी एडिशन की, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट प्लस फर्स्ट, सेकेंड प्लस सेकेंड पहले रो के, दूसरे रो के और तीसरे रो के, इसे हम इक्वेशन नंबर वन कहेंगे। ये हमारी लेफ्ट साइड का आंसर है। यही आंसर हमें राइट साइड चाहिए, राइट साइड जो है वो बी प्लस ए है, मतलब पहले हम मैट्रिक्स बी लिखेंगे, मैट्रिक्स बी प्लस बाद में मैट्रिक्स ए। अब सेम हम एडिशन करेंगे, माइनस वन प्लस थ्री मतलब टू, माइनस वन प्लस टू मतलब वन, थ्री प्लस वन मतलब फोर, टू प्लस माइनस वन मतलब वन, फोर प्लस जीरो मतलब फोर, माइनस टू प्लस फोर मतलब टू। इसको हम इक्वेशन नंबर सेकेंड कॉल करेंगे। अब देखिए इक्वेशन नंबर वन और इक्वेशन नंबर टू को हम ऑब्जर्व करेंगे, तो इक्वेशन वन का आने वाला जो आंसर है टू वन फोर वन फोर टू, और इक्वेशन टू का जो आंसर है वो सेम है, मतलब ए प्लस बी और बी प्लस ए दोनों का आंसर सेम है। वही हमें प्रूफ करना था, मैट्रिक्स ए दिया हुआ था और मैट्रिक्स बी दिया हुआ था, तो हमें ए प्लस बी इसका आंसर और बी प्लस ए इसका आंसर इक्वल आना दिखाना था। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन एंड टू दोनों का आंसर सेम है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम। इफ ए इक्वल्स टू मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसके एलिमेंट है दो रो और दो कॉलम में, मैट्रिक्स बी के एलिमेंट विद टू रोज और दो कॉलम में है, और क्वेश्चन है फाइंड एक्स सच दैट टू एक्स प्लस थ्री ए माइनस फोर बी इक्वल्स टू आई। ये इक्वेशन दी हुई है हमें, यहां से हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ए मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी दिया हुआ है, तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, इक्वेशन एज इट इज लिखेंगे,
टू जैसे है वैसे लिख लिया, एक्स हमें फाइंड आउट करना है, प्लस थ्री मैट्रिक्स ए दिया हुआ है मैट्रिक्स ए लिख लिया, माइनस फोर मैट्रिक्स बी दिया हुआ है मैट्रिक्स बी लिख लिया। अब हम यहाँ आई मीन्स यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे, आई को यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे। एडिशन और सब्सट्रैक्शन करते वक्त मैट्रिक्स की ऑर्डर जो है वो सेम चाहिए, 2 बाई 2 चाहिए, तो मैट्रिक्स आई जो है वो 2 बाई 2 लेंगे हम। आई मीन्स प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट 1 होते हैं हमेशा, और बाकी की जो 2 एलिमेंट बचे हैं उन्हें हम 0 लिख लेते हैं। आई मीन्स यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मीन्स 1, प्रिंसिपल डायगोनल के हमेशा एलिमेंट 1 लिखेंगे और बचे जो एलिमेंट है वो हमेशा 0 रहते हैं, इसको हम आई यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। अब हम इसे हल करते हैं। प्लस 3 से हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया, 3 को 3 से मल्टीप्लाई, 3 को -1 से, 3 को 2 से और 3 को 4 से, आने वाले आंसर उस जगह पे लिख दिए। माइनस जैसे है वैसे लिख दिया, 4 को मैट्रिक्स बी के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया, 4 × 1 4, 4 × -1 -4, 4 और 3 का मल्टीप्लाई 12, और 4 और -2 का मल्टीप्लाई -8, इक्वल टू मैट्रिक्स आई जैसे है वैसे लिख दिया। अब ये 2x जैसे है वैसे लिख दिया। प्लस अब यहाँ पे 2 मैट्रिक्स हैं, इन दोनों की हमें सब्सट्रैक्शन करनी है, मतलब फर्स्ट एलिमेंट माइनस फर्स्ट एलिमेंट 9 - 4 दैट इज 5, -3 -4 आने वाला आंसर जो होगा 1, 6 - 12 दैट इज -6, और 12 - -8 मीन्स 20, इक्वल्स टू मैट्रिक्स आई जैसे है वैसे लिख दिया। अब हमें 2x की वैल्यू फाइंड, यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मतलब लेफ्ट साइड को जो 2x है वो जैसे है वैसे लिख दिया, और दूसरे साइड राइट साइड में मैट्रिक्स आई था और 5 1 - 6 20 ये मैट्रिक्स प्लस है, इक्वेशन के अगर दूसरे साइड जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा। देयरफॉर 2x इक्वल्स टू, यहाँ पे दोनों मैट्रिक्स के हमें सब्सट्रैक्शन करनी है, फर्स्ट एलिमेंट माइनस फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट माइनस सेकेंड, यहाँ पे 0 - -6 +6, और 1 - 20 दैट इज -19, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट की हमने यहाँ पे सब्सट्रैक्शन की। अब हमें सिर्फ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये जो 2 है वो दूसरे साइड जाते वक्त यहाँ पे मल्टीप्लाई था एक्स को, दूसरे साइड को जाते टाइम डिवाइड को चला जाएगा, दैट इज 1/2, और मैट्रिक्स जैसे है वैसे लिख लिया। तो ये है एक्स की वैल्यू जो हमें फाइंड आउट करनी थी, एक्स इक्वल्स टू 1/2 मैट्रिक्स में -4 - 1 6 और -19। और ये आखिर का एग्जाम्पल, इफ मैट्रिक्स में फर्स्ट रो है 1 x 0, सेकेंड रो y 2 4, प्लस दूसरा मैट्रिक्स दिया हुआ है 3 1 2 4 3 -2, इक्वल्स टू मैट्रिक्स दिया हुआ है 4 2 2 6 5 और 2। अब ये हमें इक्वेशन दी हुई है, ये 2 मैट्रिक्स की एडिशन की, तो आने वाला आंसर जो है वो ये मैट्रिक्स है। देन फाइंड एक्स एंड वाई, तो हमें एक्स और वाई की कीमत पता करनी है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, दिया हुआ मैट्रिक्स एज इट इज लिख लेंगे, यहाँ पे लेफ्ट साइड को 2 मैट्रिक्स से हमें एडिशन करनी है, तो पहले हम एडिशन कर लेते हैं, 1 + 3 मतलब 4, x + 1 0 + 2 मतलब 2, y + 4 फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट जो है वो 2 + 3 मतलब 5, और लास्ट एलिमेंट 4 + -2 मतलब 2। यहाँ पे लेफ्ट साइड को 2 मैट्रिक्स के हमने एडिशन कर ली, इक्वल टू मैट्रिक्स जैसे है वैसे लिख दिया राइट साइड का। अब यहाँ क्या दिया हुआ है, लेफ्ट साइड का मैट्रिक्स और राइट साइड का मैट्रिक्स जो है वो इक्वल है, इसका मतलब क्या है, उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट पहला एलिमेंट और राइट साइड का पहला एलिमेंट इक्वल होंगे, दूसरा एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट इक्वल होंगे, तीसरा एलिमेंट और तीसरा एलिमेंट इक्वल होंगे, मतलब दोनों साइड के करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है वो सेम है, इक्वल है, मतलब यहाँ का दूसरा एलिमेंट x+1 है इक्वल्स टू यहाँ का दूसरा एलिमेंट 2 है इक्वल्स टू 2, और सेकेंड रो का जो पहला एलिमेंट है y+4 इक्वल्स टू सेकेंड रो का पहला एलिमेंट 6, y+4 इक्वल्स टू 6। यहाँ से हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब क्या करेंगे, ये जो x लेफ्ट साइड को जैसे वैसे रख दिया, +1 राइट साइड को ले लिया, मतलब -1 हो जाएगा, देयरफॉर x इक्वल्स टू 2 - 1 मीन्स 1, और
ये जो प्लस फोर लेफ्ट साइड को है उसके हम राइट साइड को टर्न कर लेंगे तो माइनस फोर हो जाएगा, सिक्स माइनस फोर, देयरफॉर वाई की जो वैल्यू है वो टू आ जाएगी। देयरफॉर यहाँ से हमने एक्स की वैल्यू वन पता की और वाई की वैल्यू टू पता की। आई होप सो आज का जो लेक्चर था मैट्रिसेस वो आपको जहन में आया होगा। तो आज हमने मैट्रिक्स मतलब क्या और या मैट्रिसेस कहेंगे हम उसको, उसका मतलब क्या है देखा। मैट्रिसेस जो है वो रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में नंबर्स की अरेंजमेंट की गई है उसे हम मैट्रिसेस कहते हैं। मैट्रिसेस की एडिशन और सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं वो आज हमने देखा। मैट्रिसेस की एडिशन और सब्सट्रैक्शन करते वक्त ऑर्डर सेम रहनी चाहिए और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट की हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन करते हैं। तो ये फर्स्ट लेक्चर था हमारा मैट्रिसेस का, साइड बाय साइड इसके नोट्स बनाते जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।